नमस्कार, विपुल सिंह के साथ आप डिजिटल न्यूज देख रहे हैं। देखिए, पूरे बिहार में उदयपुर की घटना को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है। आज पूरा राजस्थान भी बंद रहा है और इस दौरान जो बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो आज प्रदर्शन किए हैं गांधी मैदान के कारगिल चौक के पास। और इनकी क्या मांग है, किन मुद्दों को लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्हीं से जानेंगे। अभिषेक जी, क्या आपका मांग है? मूल रूप से जो प्रदर्शन हो रहा है, क्रोस प्रदर्शन ये हो रहा है कन्हैया लाल जी के लिए। जिस प्रकार कन्हैया लाल जी को जिहादियों द्वारा, दो मुसलमानों के द्वारा गला रेत कर काट दिया गया, ये कहीं से भी क्षम्य नहीं है और हिंदू समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिस प्रकार की आपकी क्रिया होगी, हिंदू समाज, बजरंग दल उस क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया देगा ही देगा। अच्छा, इस तरह की घटनाएँ हमेशा देखने को मिलती है पूरे भारत में और अन्य स्थानों पर, जैसे यूपी में अंकित का भी वही हाल हुआ, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसको रोकने के लिए कोई साधन या फिर कोई कानून बनना चाहिए क्या? बिल्कुल कानून बननी चाहिए। दूसरी बात है क्या कि इन सब, ये अपराध किस श्रेणी में आता है, तो अपराध सरकार किस प्रकार से उस पर काबू करे ये सोचने की आवश्यकता है। दूसरा, हिंदू समाज अगर अपनी सुरक्षा अपने हाथों में ले लिया, बजरंग दल अगर अपनी सुरक्षा अपने हाथों में ले लिया, हिंदू समाज की सुरक्षा अगर अपने हाथों में ले लिया, तो मुश्किल हो जाएगा सरकार के साथ भी और संपूर्ण मुसलमान समाज के साथ भी दिक्कत हो जाएगी। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं। यहाँ संपूर्ण मानवता के लिए कलंक है। जिस प्रकार से भारत के अंदर लगातार हिंदू लीडरशिप की हत्या हो रही है, यह एक चेतावनी की तरह लगता है। भारत लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से कानून चलता है, कानून को किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन अभी लगातार 6-7 हत्याएं हुई है, जो हिंदू की बात करता है, जो केवल उनके अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न का विरोध करता है, उसको जिस भाषा में वो जवाब दे रहा है वह शुद्ध तालिबानी भाषा है और भारत में तालिबानी भाषा नहीं चलेगा। उन्होंने लोकतंत्र को चुनौती दी है, भारत की संप्रभुता को चुनौती दी है। वह जिस हथियार से हत्या किया उस निर्दोष नौजवान का, उस हथियार को लहराते हुए कहता है कि हम, ये हथियार नरेंद्र मोदी के गर्दन तक पहुंचेगा। यह लोकतंत्र के संप्रभुता पर चुनौती है, संपूर्ण भारत की संप्रभुता पर चुनौती है। इसीलिए इसको भारत का कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा और भारत आज इतना बुद्धिदिल और कमजोर नहीं है। हम केवल लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, इसीलिए सरकार यदि कानून से उसको नहीं दबाएगी तो यह चेतावनी है कि जिस भाषा में वो समझता है उस भाषा में हिंदू समाज उत्तर देने के लिए तैयार हो जाए। इसका एक अंत होना चाहिए। आप लोगों के माध्यम से पूरे भारत के हिंदू जनमानस को ये संदेश देना चाहते हैं हम लोग कि अब जो उनका जो क्रियाक्रम चलता रहा है वो अब नहीं चलेगा। अब हम लोग भी इसकी प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने गला काटा है, हम लोग भी गला काटेंगे। अभी तो भारत की संविधान पे हम लोगों को भरोसा है, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग संविधान पे भरोसा नहीं है। संविधान पे भरोसा है, सरकार उनको बजाबता फांसी दे कानून उसको, और ऐसी घटनाएं ना घटे। अगर ऐसी घटनाएं घटती है तो भविष्य में हम लोग भी ऐसा करने के लिए फिर मजबूर हो जाएंगे। विपुल जी, हुआ है उसका सरेआम फांसी होना चाहिए, उसमें सारे एविडेंस मिला हुआ है। उसने वीडियो लाइव जारी करके कहा कि मैं फांसी कर रहा हूं और मेरे धर्म में, इसलिए पूरा भारत का हिंदू जाग चुका है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई ने उसकी प्रतिक्रिया जो दिया जाएगा। जय श्री राम। अभी जो जयपुर में विभत्स घटना घटी है, उस घटना के पीछे उस तरह की सोच और उस तरह के लोग कहाँ से पैदा हो रहे हैं, उस तंत्र को पहचान के उस पूरे तंत्र को समूल नष्ट किया जाए, यही हमारी मांग है सरकार। बात जो सामने आती है निकल करके कि आप लोग कहते हैं कि हिंदुओं को जगाना होगा, तो ये कैसे जागृत होगा? म्यांमार वाली स्थिति भारत में लानी होगी। जिस दिन म्यांमार वाली स्थिति हम भारत में ला देंगे, ये हिंदू समाज सुरक्षित समाज हो जाएगा। जब तक हम म्यांमार वाली स्थिति में नहीं आएंगे, ये ही लोग करते रहेंगे, क्योंकि इनका ये काम है, ये सीधा सीधी इसी कार्य के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। आप कितना भी इन पे मक्खन, मेट, मिलाई कुछ भी लगा दीजिए, इनके अंदर पाप है और वो पाप हमेशा निकल के बाहर आ जाता है। तो इसको रोकने का क्या अंतिम उपाय? रोकने का मैं तो एक उदाहरण दूं कि अगर इनको रोकना है, जैसे सांप को बाहर निकालने के लिए बिल में पानी डालना होता है, सांप बाहर निकलते हैं, ये सीखते कहाँ है ये सब चीज़?
सरकार को उनके बंद करने की ज़रूरत है। इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, ये जिहाद कहाँ सीखते हैं? आखिर वो गली मोहल्ले के एक छोटे से बच्चे आखिर वहीं ट्रेनिंग लेते होंगे ना, तो वो ट्रेनिंग वाली जगह को बंद करने की ज़रूरत है, तभी जाके सुधार होगा। ट्रेनिंग वाली जगह कौन सी है? आज देख लीजिए, हमारे सिक्किम के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से मदरसे को बंद कर दिया, मदरसे में पढ़ाई हो इसके अलावा कोई बात ना हो, नूपुर शर्मा ने जो बात कहा, क्या वो कुरान में लिखा हुआ नहीं है, कहीं अंकित नहीं है? नहीं है तो संविधान सजा दे। लेकिन आप गला काट कर एक वीडियो बनाकर क्या साबित करना चाहते हो? इससे साफ साबित होता है कि आपकी मानसिकता सिर्फ जिहाद की है और आप जिहाद के अलावा कुछ नहीं चाहते। तो आप सुन रहे थे कि इनका जो मांग है, एक प्रमुख मांग यह है कि जो भी मदरसे हैं, जो भी इस तरह के एक्टिविटीज़ वहाँ से होते हैं और वहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है उस पर रोक लगे और एक कानून और सख्त कानून बने, नहीं तो फिर स्थिति भयावह हो सकती है। क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हुई है राजस्थान में कम ही होती है, लेकिन इसकी जो संख्याएं धीरे धीरे बढ़ रही है, इसी को लेकर के आज आंदोलन भी था। इसी तरह के खबरों को देखने के लिए डिजिटल न्यूज़ 20 को YouTube पर सब्सक्राइब करें। यदि आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो Google Play Store से जाकर डाउनलोड कर लें। धन्यवाद। आम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।